थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ चले ले चंदन अक्षत बगल दबाए मृग छाला। कहाँ चली यह सजी आरती कहाँ चली जूही माला। ले मुंजी उपवन मेखला कहाँ चले तुम दीवाने। जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने। मौल सरी का यह गजरा किसके गज से पावन होगा। रोम कंटकित प्रेम भरी इन आँखों में सावन होगा। चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ आए भूल। चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर इधर न रामेश्वर काशी। कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा कहाँ चले तुम सन्यासी। इतनी बात कहने के बावजूद भी वो सन्यासी जो सज धज करके और अपनी तीर्थ यात्रा की तरफ रवाना हो चुका है जब उस बात की तरफ ध्यान नहीं देता है तो अगली पंक्तियां जो हैं किस प्रकार से उसको मनुहार करती है ये रुक करके अपना परिचय देने के लिए। क्षण भर थम कर मुझे बता दो तुम्हें कहाँ को जाना है। मंत्र फूंकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चले हो पागल कांटों की परवाह नहीं। कितनी दूर अभी जाना है इधर विपिन है राह नहीं। और इस प्रकार से जब उसको रोक करके ये कहा जाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो कहाँ जा रहे हो आगे तो घना जंगल है आगे कोई रास्ता नहीं है तब जा करके वो किस दिशा में जा रहे हैं अपना परिचय कवि पंक्तियों में कैसे देता है। मुझे न जाना गंगा सागर मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपनी अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली। निकल पड़ी लेकर तलवारे जहां जवानों की टोली। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा। स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगी माला फूल। वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगी माला फूल। जय हिंद।